अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने एक्सरसाइज 4.2 करनी है, चैप्टर नंबर 4 की। अब यहाँ पर आपने आज क्या करना है, आज हमारा ये दूसरा मेथड है। मैंने लास्ट वीडियो में पहला मेथड पढ़ाया था, दूसरा मेथड हमारा क्या है, पेन डिनोमिनेटर, पेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड, हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये स्टूडेंट हमारा दूसरा मेथड है। आपने लीनियर फैक्टर लिखा, देखो नीचे अब आपने ये कैसे की बात है। अब फ्रेंड आपने इस फैक्टर को रिपीट करना है, जब ऊपर होल स्केयर हो ये इसकी परेशानी याद रखनी है, स्केयर आ जाए फिर आपने इस फैक्टर को क्या करना है, रिपीट करना है। अब इसके लिए आपने पहले नंबर पर लेट करना है। अब लेट का मेथड देखिए, अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट पहले मैं इधर से लेट करवाऊंगा, आप पैसे लिखते हैं, लेट कर लेते हैं, पहले नंबर पर लिखते हैं जी, फिर वो बात जिन पर रखनी है ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। देखिए इसके ऊपर है एस स्केयर जी, और एस का ये स्केयर होता है और एस स्केयर को मल्टीप्लाई किया एस से, ये बना है एस क्यूब। ये देखिए ऊपर पावर समान है, नीचे पावर बड़ी है, ये हमारा क्या बना, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर एस स्केयर है, ये एस इसके साथ स्केयर है एस स्केयर, और मल्टीप्लाई इसकी एस क्यूब आता है, इससे पता चलता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने लेट कर दिया, लेट क्या करना, पहले नंबर पर लिखना है ए एस माइनस वन प्लस बी। अब लिखना है एस माइनस वन का होल स्केयर, ये आपने देखा ना पेट के अंदर पेट में लीनियर फैक्टर, पहले आपने विद आउट स्केयर लिखा, अब विद स्केयर लिखा, इस तरह हमने मैथड याद रखना है। पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट करनी है, उसके बाद लास्ट में प्लस सी, तो सी हमारे पास आ जाना है एक्स माइनस, इस तरह से बड़े आपने इसे लेट कर देना। पहले नंबर पर लिखना है ए अवर एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन का होल स्केयर प्लस सी अवर एक्स माइनस टू आएगा। अब फिर आपने क्या करना, अब फिर आपने मल्टीप्लाई करना, इसके नीचे एक्स माइनस वन का होल स्केयर एक्स माइनस टू है, आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय एस माइनस वन का होल स्केयर और एस माइनस टू ऑन बोथ साइड। ये आप समझ लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब फ्रेंड आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर क्या लिखी एस माइनस वन का होल स्केयर एस माइनस टू मल्टीप्लाई एस स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन एस माइनस वन का होल स्केयर और एस माइनस टू। इसके बाद फ्रेंड आप ये लिखें एस माइनस वन का होल स्केयर एस माइनस टू मल्टीप्लाई ए एस माइनस वन, आप ए के साथ प्लस है, फिर बार आप ये लिखें एस माइनस वन का होल स्केयर एस माइनस टू मल्टीप्लाई बी एस माइनस वन का होल स्केयर प्लस सी लिखें, फिर बार लिखें एस माइनस वन और सॉरी एस प्लस लिखा एस माइनस वन का होल स्केयर एस माइनस टू मल्टीप्लाई सी एस माइनस टू, सारी अमाउंट को आप इससे मल्टीप्लाई करना है। अब सुन ये इसके साथ कैंसिल, ये भी इससे कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे और सॉरी ये भी होना कट एस माइनस वन का होल स्केयर है। अब ये देखिए एस माइनस वन के साथ एक दफ़ा कट हो जाएंगे, ऊपर फिर एस माइनस वन बचा एक दफ़ा, ठीक है दो दफ़ा दिए, इधर से ये टोटल कट हो जाएंगे, इधर से ये इसके साथ कट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास अमाउंट बची में पीछे बचा गया स्केयर माइनस थ्री एच प्लस वन इज इक्वल, इधर बचा ए एस माइनस वन और एस माइनस टू, और इधर बचा प्लस बी और एस माइनस टू, इधर बचा प्लस सी और एस माइनस वन का होल स्केयर। अच्छा ये अमाउंट हमारे पास बचे कट करने के बाद, अच्छा आपने क्या करना है एस स्केयर माइनस थ्री एच प्लस वन ए, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एस को पहले इससे मल्टीप्लाई किया एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एस के एस का टू से माइनस टू एक्स माइनस वन को एक्स माइनस माइनस प्लस टू आ जाने, इस तरह बी एस माइनस टू। अब सुन यहाँ पर सी क्या फार्मूला ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, फार्मूला का ए और बी, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दिए। अब एस स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ए एस स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स होता है प्लस टू प्लस बी, इसे वैसे लिखेंगे एक्स माइनस टू
अब यहाँ पे यही अमाउंट से वैसे ही राइट करें एस स्क्र प्लस वन माइनस टू एक्स। अब स्टूडेंट आपने एस स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस वन ए। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टूडेंट ये आपके बनी है इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू का नाम करें। अब स्टूडेंट आपने तीन आंसर है ए बी और सी। पहले नंबर पर बी का आंसर आना है, फिर सी का लास्ट में ए का आंसर आना है। इसमें ये मेथड याद रखना है, पहले बी का आंसर का है फिर सी का फिर लास्ट में ए का। अब बी का आंसर करने का तरीका होगा जो जिस तरह मैंने पीछे बताया आपको, इधर आपने लिखना है टू फाइंड बी, टू फाइंड बी। पहले बी का, बी के नीचे कौन सा फैक्टर है, एस माइनस वन का होल स्क्वायर, एस माइनस वन का होल स्क्वायर लिखें इज इक्वल टू जीरो। अब स्क्वायर किससे होते हैं, स्क्वायर रूट से, आप इधर स्क्वायर रूट लिखें जीरो के ऊपर कैंसिल और जीरो आएगी, माइनस वन इधर आ गया प्लस वन। अब स्टूडेंट आ जाए इक्वेशन नंबर टू पर, ये पार्ट में एस स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू। अब बी फाइंड करना है, अब बी फाइंड करना तो ये पार्ट लिख लेना बी पर, बी और एस माइनस वन, एस माइनस टू जीरो में ये वाला पार्ट लिख लेना बी पॉइंट, ठीक है जी। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वहाँ लिख लें वन का स्केयर है वन है प्लस वन बी, एस की प्लेस है वन माइनस वन टू, वन का स्केयर वन होता है थ्री, वन का थ्री प्लस वन और टू में वन का माइनस वन आया, वन और वन टू माइनस थ्री आया, बी को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस बी, थ्री में टू का लो माइनस वन माइनस बी, माइनस माइनस से कट और बी इज इक्वल टू वन, ये बी का आंसर आया स्टूडेंट, इस तरह बी का आंसर आना है। अब स्टूडेंट आपने आंसर लाना है सी का, इसका आंसर लाना है सी का, आप लिख लें इधर टू फाइंड सी, टू फाइंड सी, सी फाइंड कर लें। अब सी के नीचे कौन सा फैक्टर है, एस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएंगे एस माइनस टू। अब आपने स्टूडेंट आना है क्वेश्चन नंबर टू में एस स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट देखिए आपकी मर्जी है, यहाँ तो ये लिख लो या ये वाला पार्ट देख लो सी एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर, आंसर दोनों सूटों में एक ही आना, आपकी मर्जी है या तो सी वाला ये पार्ट लिख लूँ या ये वाला पार्ट लिख लूँ। मैं भी तरह ये वाला पार्ट लिखने ऊपर वाला जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब एस किसके इक्वल है, टू का स्क्वायर है, इधर भी टू आ जाना प्लस वन, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ टू माइनस वन का होल स्क्वायर, टू टू का फोर, थ्री टू का सिक्स प्लस वन, टू में वन का ले वन का स्क्वायर आया फोर वन फाइव, फाइव में सिक्स आया स्टूडेंट, वन का स्केल वन ही होता है, सिक्स में फाइव का माइनस और सी वन का सी, इस तरह स्टूडेंट हमने सी का आंसर भी लिया है। अब हम स्टूडेंट आना है ए का आंसर, ए का आंसर आना है आपने कोफिशिएंट का कंपेयर करना, तो वो कंपेयर याद रखेंगे आप क्वेश्चन में टू से स्टार्ट करना है आपने। कोफिशिएंट क्या होता है देखें जरा, थ्री एस स्केयर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखना है जिसके ऊपर बड़ी पावर है उसका आपने कंपेयर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कोफिशिएंट है और ये पावर है टू। अब यहाँ पर हम इधर से स्टार्ट करते हैं बड़ी पावर पे, क्या इधर इधर देखते हैं एस स्क्वायर है, इधर भी एस स्क्वायर है और इधर भी एस स्क्वायर है। अब आपने दोनों तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, कोफिशिएंट हमेशा बड़ी पावर से स्टार्ट होता है, आपने लिखना कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट आप एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इस तरफ आ जाए कोफिशिएंट्स की, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वन है, जिधर लिखने वन है, एस स्क्वायर खुद नहीं लिखना इसका कोफिशिएंट ऐड करना है, अब कंपेयर करना है कंपैरिजन करना है इधर, उसके बाद इधर आ जाए। अब ये देखें इधर भी स्क्वायर है, अब ए को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ए एस स्क्वायर आता है, अब एस स्क्वायर के साथ क्या है ए, अब इधर कोफिशिएंट ए बना, अब इधर आ जाएगा प्लस सी, सी को इधर भी एस स्क्वायर है, सी को इससे मल्टीप्लाई करें तो सी एस स्क्वायर आता है, तो सी फिर इधर कोफिशिएंट बना, फिर इधर भी लिखना प्लस सी, इस तरह हमने एस कोफिशिएंट कर देना एस स्क्वायर का, एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो राइट कर देना। अब हमें वैल्यू पुट करनी है वन ए प्लस सी, अब सी किसके इक्वल आया माइनस वन के, माइनस वन के स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस वन, ये माइनस वन है इधर आकर प्लस वन हो जाए वन वन टू इज ए इज इक्वल टू टू वन, फिर इस तरह आपने ये तीनों वैल्यू निकालनी होंगी। अब स्टूडेंट आपका नहीं इसका लास्ट वाला स्टेप है, आपने वैल्यू पुट करनी, क्योंकि आपने
बी और सी तीनों का आंसर लेयर। लास्ट वाले स्टेप में आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन क्वेश्चन नंबर वन, इन क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन राइट करें एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस वन, नीचे भी लिखे एस माइनस वन का होल स्क्वायर, एस माइनस टू ए, एस माइनस वन बी, एस माइनस वन का होल स्क्वायर एंड सी एस माइनस टू। अब स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट कर दी है, तो वैल्यू पुट करने का तरीका यही है एस माइनस थ्री एस प्लस वन, एस माइनस वन का होल स्क्वायर एस माइनस टू। अब लिखा है ए, ए किसकी इक्वल है जी टू की, इधर लिखने टू एस माइनस वन प्लस बी, बी किसकी इक्वल है वन के, वन एस माइनस वन का होल स्क्वायर सी, सी किसकी इक्वल है माइनस वन के, माइनस वन की। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोबारा से ये लिखना है एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस वन, एस माइनस वन का होल स्क्वायर एस माइनस टू, टू एस माइनस वन प्लस वन एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एस माइनस टू। ये स्टूडेंट आपका आंसर लास्ट प्लस माइनस माइनस करते हैं, ये स्टूडेंट आपका क्या है आंसर। अब इसके मैंने आपको ये पहला पार्ट करवाया, बाकी ये चार पार्ट आपने खुद करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात जेहन में रखिए, फर्स्ट कर किसी क्वेश्चन में ए का आंसर आ जाता है जी, किसी में आ जाए ए का या बी का, ए का आंसर आता है जी थ्री और फोर, लेट करते हैं आप इधर वेरीफाई करने का तरीका क्या होना, ऊपर थ्री लिखना है और साथ नीचे फोर लिख देना। अब हमने आंसर इस तरह वेरीफाई करनी है, ठीक है जी। अब इधर इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर है एक का टू है, इसलिए ये मैंने समझाने के लिए दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं आंसर आ सकता है फिर आपने इस तरह वेरी गुड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपने एक क्वेश्चन करना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव और एट, अब ये देखिए किस तरह करनी है, करना तो आपने खुद है सारे क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन मेरे पास है, आपने जो क्वेश्चन वन समझा है उसमें स्केयर वाली अमाउंट पहले नंबर पर आ गई, तो आपने भी यही करना है। इस तरह सवाल है तो पहले आपने अरेंज कर देना है, क्या अरेंज करना है नाइन स्केयर वाली अमाउंट पहले नंबर पर लिख लें और एस माइनस वन बाद में लिखें, इस तरह करने के बाद फिर आपने वो लेट कर देना है इस तरह, जैसा मैं आपको पहले क्वेश्चन कराया था ए रिपीटेड इनर फैक्टर ए एस प्लस टू प्लस बी एस प्लस टू का होल स्केयर प्लस सी एस माइनस वन। वैसे इस तरह भी हो जाता है लेकिन बेहतर रहा है जो क्वेश्चन वन है आप उसी को फॉलो करो, अरेंज कर लो पहले स्केयर वाली अमाउंट, पहले स्केयर वाला फैक्टर लिख लो बाद में दूसरा फैक्टर लिख लो, इस तरह भी आप लिख लो। इधर भी यही काम है, जो मैंने यही काम किया आपने इस तरह लिखना सेवन एस प्लस फोर और इसे पहले लिख लेना स्केयर वाली को और थ्री एस प्लस टू, फिर आपने उसी तरह ही आपने लेट कर देना जिस तरह ये लेट किया जी, ठीक है जी। चलिए मैं लेट कर देता हूँ, ए एस प्लस वन बी एस प्लस वन का होल स्क्वायर सी थ्री एस प्लस टू, इस तरह से आपने कर देना। अब ये क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट में क्या करना है, फार्मूला ओपन हो रहा है एस माइनस वन और एस प्लस वन और साथ एस प्लस वन लिखा। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है एस माइनस वन और एस प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाना है और स्क्वायर वाली अमाउंट पहले लिखनी है एस प्लस वन का होल स्क्वायर और एस माइनस वन, फिर उसी तरह स्टूडेंट आपने लिख लेना है ए एस प्लस वन प्लस बी प्लस इधर पहले ये लिखना एस प्लस वन का होल स्क्वायर और एस माइनस वन ए फिर बी एस प्लस वन का होल स्क्वायर एंड सी एस माइनस वन, इस तरह स्टूडेंट आपने अरेंज करना सर, इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन है करने, बाकी सोल्यूशन आपको मैंने जिस तरह क्वेश्चन वन में कराया उस तरह आपने इन पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब स्टूडेंट आपका सर 4.2 का क्वेश्चन फोर है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना जिस तरह मैंने सर 4.1 में कराया था। ये किसा हमें पता चला इम्प्रॉपर है, देखें इधर एस की फोर है और नीचे एस स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपको भी पता चलता है, देखिए एस की फोर प्लस वन एस के कैसे मल्टीप्लाई किया एस के माइनस एस के को वन से एस के आ जाने, अब देखने ऊपर पावर बढ़ी है नीचे पावर छोटे, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे इम्प्रॉपर प्रॉपर में चेंज करना है, अब वो किस तरह चेंज होना है आपने डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेते हैं पहले ऊपर वाले मॉडल के अंदर
पीछे वाले अमाउंट डिनोमिनेटर। अब आपने वही याद करके जो मैंने कराई थी आपको, अंदर से पहली अमाउंट एस की फोर है, बाहर से फर्स्ट अमाउंट है एस क्यूब। स्टूडेंट एस क्यूब एस क्यूब से कैंसिल, पीछे हमारा एक्स बचा, इधर आ गया स्लिप, तीन दफा कट हो जाना पीछे वाले एक्स। अब इस एक्स को आपने इन दोनों से क्या करना, मल्टीप्लाई एस क्यूब के एक्स से मल्टीप्लाई किया, एस की फोर आया और माइनस प्लस माइनस, एस क्यूब के एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एस क्यूब। अब ऊपर एस क्यूब नहीं है तो इसलिए हमने इसे लहरा लिख दिया, हाँ ऊपर एस क्यूब होता फिर उसके नीचे लिखना है, एस क्यूब लिख लिया। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट हो जाना। अब आप लिखें एस क्यूब, पहले प्लस एस क्यूब फिर प्लस वन लिखें, अब मजीद डिवाइड हो सकता है क्योंकि इधर एस क्यूब है और इधर भी एस क्यूब है, मजीद पावर है, पावर सेम है। अब आपने फिर एस क्यूब पहले लिखा यहाँ से, फिर पास फिर वही एस क्यूब सेकेंड नंबर पर कट हो जाना, पीछे का बचा वन, तो प्लस वन इधर लिखें प्लस वन। अब इस प्लस वन के दोनों से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, वन को एस क्यूब से मल्टीप्लाई किया एस क्यूब आया, माइनस प्लस माइनस और एस क्यूब को वन से एस क्यूब आ जाए। अब फ्रेंड देखें फिर बराबर एस केयर होता, फिर हम इसे और उसके नीचे लिख दिया एस केयर के, अब प्लस है तो साइन चेंज करें, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, पहले नंबर पर लिखना है एस केयर फिर लिखना है प्लस वन। अब फ्रेंड डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इधर आप पावर कम आई है, इधर पावर बड़ी थी, अब इधर तीन था इधर क्या है टू, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, पावर यहाँ बराबर होती या बड़ी तो फिर मजीद डिवाइड हो सकता, अभी डिवाइड नहीं हो सकता। अब शर्ट आपने क्या करना है, अब आपने वही फार्मूला जो मैंने आपको फॉरवर्ड का भी बताया था, फार्मूला हमारा ये न्यूमिनेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर एक्स इज इक्वल टू, अब आपने देखना इक्वेशन किसे कहते हैं क्यू एक्स, क्यू एक्स प्लस इसे रिमाइंडर कहते हैं रिमाइंडर एक्स, और इसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर एक्स, अब ये देखना डिनोमिनेटर एक्स। जब भी आपने इम्प्रॉपर प्रॉपर में चेंज करना है डिवीजन करने के बाद आपने ये फार्मूला राइट करना है, ये फॉर्म राइट कर देंगे। अब आपने लिखा है न्यूमिनेटर एस, तो न्यूमिनेटर हमारा ये ऊपर वाली है एस की फोर प्लस वन, डिनोमिनेटर ये एस स्क्वायर और एस माइनस वन इज इक्वल क्वेश्चन एस, ये क्यू एक्स है एस प्लस वन प्लस रिमाइंडर एस, ये रिमाइंडर है हमारा एस स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर एक्स तो ये डिनोमिनेटर एस स्टूडेंट पर एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर, एस को माइनस एस स्क्वायर है। आप ये देख रहे हैं कि हमारी फ्रैक्शन बनी, ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, तो इसका मतलब ये हमारी इस तरह आपने स्टूडेंट इसे चेंज करें। और फिर मैं ऐसे आपको सोल्यूशन बताते हैं किस तरह बाकी करना है, एस की फोर प्लस वन एस स्क्वायर एस माइनस वन एस प्लस वन एस प्लस वन प्लस एस स्क्वायर प्लस वन। अच्छा यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन निकालना है, मतलब ये अमाउंट आप कॉमन निकालना है, मीन के ये लिखना है आपने, आप कॉमन निकाल के हमारे पास फिर एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने एस की फोर प्लस वन एस स्क्वायर एस माइनस वन एस प्लस वन, अब आपने लिखना है ए, अगर एस स्क्वायर है एस लिखें प्लस बी, फिर लिखें एस स्क्वायर रिपीटेड करना फिर प्लस सी एस माइनस वन का एस माइनस वन लिखना है, पहले आपने ए ओवर एस लिखना फिर बी ओवर एस स्क्वायर फिर सी ओवर एस माइनस वन, इस तरह स्टूडेंट आपने ये राइट करना है। अब लास्ट में आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन में ये आपकी बनती है इक्वेशन नंबर वन, ये सारी अमाउंट क्या बनती है इक्वेशन नंबर वन। आपने अब लास्ट में लिखना है एस, ये पहले ये लिखें एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर एस माइनस वन इज इक्वल टू, इधर आपने प्रॉपर फैशन राइट करनी है, ये जो भी बनी है प्रॉपर फैशन, ये फिर इसके इक्वल आए ए, अब ये इक्वल आ रहे हैं इसके, ये सारी मन के ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एस स्क्वायर एंड सी एस माइनस वन, इस तरह से डाल करना है। अब इसी तरह आपने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू जिस तरह मैंने क्वेश्चन वन करा उस तरह मैंने बी की वैल्यू फिर सी की फिर ए की, जब आपने तीनों आंसर ले आए फिर वैल्यू किस में पुट करनी है क्वेश्चन नंबर वन में, इस क्वेश्चन में आपने लास्ट में वैल्यू पुट करनी है लास्ट में लेकर, इस तरह स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करना है इम्प्रॉपर तो प्रॉपर में किस तरह चेंज किया जाता है, इस तरह आपने स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना है।
अब देन इस क्लास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 मीन के लास्ट वाला क्वेश्चन है इम्प्रॉपर ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करना है। अब ये इम्प्रॉपर किस तरह पता चला ये देखते हैं हम 3s² प्लस 15x प्लस 16। अच्छा यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन करें a² प्लस b² प्लस टू फार्मूले का a एंड b। अब 3s² प्लस 15x प्लस 16 है। अब एस के रहा 2 का स्केयर 4 होता है और 2 टू द 4x। अब यहाँ पर अरेंज कर लें 3s² प्लस 15x प्लस 16 s² के बाद s वाली अमाउंट प्लस 4। अब देख लें इधर s² है और इधर भी s² है, पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे इम्प्रॉपर को अपने प्रॉपर में चेंज करना जैसे हमने पीछे करा लास्ट वक्त प्लस कराया। अब आगे पहले ये लिखने न्यूमिनेटर को लिखना 3s² 15x प्लस 16 और फिर डिनोमिनेटर लिखना है s² प्लस 4x प्लस 4। अब स्टूडेंट आपने क्या करना फिर वही डबल वर्किंग कर देंगे। स्टूडेंट आपने 3s² पहले लिखने और s² नीचे डिवाइड करने इधर से पहली अमाउंट और बाहर से पहली अमाउंट s² से कैंसिल पीछे 3 आया। अब इस 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है 3 को एस के 3s² और 3 4 का 12x आ जाने और 3 4 का 12। अब फिर साइन चेंज करनी है प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस में से काट लिया है 50 में से 12 निकाले 3x और 60 में 12 निकाले प्लस 4 आया। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इधर पावर एक्स वरना के इधर एस के 2 से कम पावर है इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता। फिर आपने स्टूडेंट वही फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने पीछे कराया फार्मूला फॉर्म ही लिखनी है न्यूमिनेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर एक्स इज इक्वल टू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर अवर डिनोमिनेटर एक्स। न्यूमिनेटर एक्स हमारा ये है 3s² प्लस 15x प्लस 16 आया। इस तरह डिनोमिनेटर एस प्लस 2 का 4 आया। क्यूशेंट हमारा ये है क्यू एक्स वज 3 ये रिमाइंडर है 3x प्लस 4 डिनोमिनेटर ये है s² प्लस 4x प्लस 4। आपने दोबारा से लिख लिखना 3s² प्लस 15x प्लस 16 s प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पर देख लो आप इधर x की मान इधर s की तो देखिए आपकी फ्रैक्शन कौन सी बनी प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है यहाँ से मुझे चलता है। अब फिर आपने क्या करना है अब ये फार्मूला ओपन किया था हमने इसे क्लोज के अंदर क्लोज को तो यही बनता है s प्लस 2 का होल स्क्वायर s प्लस 2 का होल स्क्वायर 3s² प्लस 15x प्लस 16 का स्क्वायर s प्लस 2। अब ये आपने इसकी फार्मूला में 3 प्लस इधर लेट कर सकते हैं लेट लिख लो साथ ये ज़्यादा बेहतर लेट कर लें। अब आप लिखें a अवर s प्लस 2 प्लस b अवर s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक अमाउंट आनी है फिर दो ही लिखनी है इधर भी पहले बी फाइंड करना बाद में ए। अब ये आपके कन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 सॉल्यूशन आपने इसे ही करना है। पहले नंबर पर आपने लिखना है ये ये वन 3x प्लस 4 3x प्लस 4 अवर एस प्लस 2 का होल स्क्वायर जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आई है जो प्रॉपर फ्रैक्शन आई है इसे पहले लिखो और इसके नीचे किसके इक्वल है ए अवर एस प्लस 2 a over s plus 2 plus b s plus 2 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड इस इधर से आपने a और b का समान है और वैल्यू किस में पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में लास्ट में हमने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है 3 के सारे सारे इक्वेशन ऐड करनी है। इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 4.2 भी मुकम्मल की बाकी चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3।